जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए, जब टूटने लगे हौसला तो बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लो मंजिल अपनी अंधेरे में, ढूंढ लो मंजिल अपनी अंधेरे में, क्योंकि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जी हाँ, सभी दोस्तों को, सभी दर्शकों को केशियाज स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस केशियाज के स्टूडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करवाते हैं जिनका जीवन संघर्ष से भरपूर है और जीवन में इतने लंबा संघर्ष किया है कि आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये शख्स नागौर जिले के एक छोटे से कस्बे कुचेरा गांव के रहने वाले हैं, जिनका जन्म किसान परिवार में हुआ और किसान परिवार में जन्म होने के कारण ये मेहनत कष्ट वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने कदम रखे और उस शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से कदम रखे कि इन्होंने छोटी छोटी जीत को हासिल करके उन पर फोकस करके आज अपने एक क्षेत्र में एक विशाल बादशाह के रूप में हैं। तो आइए, वो शख्स हैं, हम बात करते हैं केशियाज परिवार के फाउंडर और CMD मिस्टर करपाराम जी ठोलिया सर से, जिनको आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों को दिया। तो आप के जीवन के जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों में आपने एक केशियाज नाम का एक पौधा आप छोटे से 2002 में आपने स्थापित किया, उसकी स्थापना कब, कैसे और कितने बच्चों से आपने शुरुआत की? सर, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का, सर आपका भी धन्यवाद। सर, केशियाज की जो यात्रा है वो 2005 मई 2005 से हमने इसकी शुरुआत की थी। जी सर, और बहुत ही छोटे से एक पौधे से हमने इसकी शुरुआत की। स्टार्टिंग में हमने इसको प्ले स्कूल के रूप में बनाया। जी सर, ये नर्सरी LKG UKG से हमारा ये जो कारवां है वो चला, और जब शुरुआत की थी तो मात्र हमारे पास में 2 बच्चे थे। जी सर, जी सर, इस केशियाज जो पौधे का जो शाखाएं हैं उनका प्रमोशन किस प्रकार से आपने किया? देखिए सर, इसके अंदर क्या हुआ कि जब हमने इसको शुरुआत किया 2005 के अंदर, जी सर, और ये धीरे धीरे इसका कारवां बढ़ता गया, 2006 के अंदर हमने इसका मिडिल तक में प्रमोशन करवाया स्कूल का, फिर धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाते गए और आगे बढ़ाते बढ़ाते 2011 के अंदर हमने इसको सेकेंडरी लेवल पर प्रमोशन करवाया। जी सर, और फिर उसका कारवां और आगे बढ़ाते बढ़ाते इसको सीनियर सेकेंडरी 2019 के अंदर हमने इसको अपग्रेड करा दिया। लेकिन जब सर आपने इस गांव ग्रामीण एरिया में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला, लेकिन एक तरफ अगर ग्रामीण एरिया में देखें तो हिंदी बोलने में भी लोग शर्माते हैं, कतराते हैं, ग्रामीण एरिया की भाषा को इस्तेमाल करते हैं। आपने ये अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल के आपका जो मिशन था वो संघर्ष भरा कि लोगों को अपने अंग्रेजी माध्यम में लेके आए, तो उसके लिए आपको क्या संघर्ष करना पड़ा? सर जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा स्टार्टिंग के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब 2005 में अंग्रेजी माध्यम से ये कुचेरा के अंदर स्कूल खोला, जी सर, उस समय लोगों के मन में बहुत एक अजीब सा भय था। जी सर, और लोग चाहते नहीं थे कि इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को भेजें। जी जी, मजे की बात आपको बताऊं कि उस समय लोगों को पता नहीं था कि इंग्लिश मीडियम क्या होता है। जी सर, तो जब हम लोग जाकर के बोलते कि भाई हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम की एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है आपके इधर, और विशेष तौर से हमारे जो किसान वर्ग है, जी सर, उनके बच्चों को हम लोग आगे भेजना चाह रहे थे। जी जी, वो जीवन में कुछ तरक्की करे, वो भी यहाँ से इंजीनियर डॉक्टर निकले। जी सर, और IAS IPS निकले, इस तरह की हमने सोच रखी थी, और जिसके लिए इंग्लिश मीडियम होना आज की डेट में या उस समय में ये मांग थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब हम लोगों को ये बात बोलते थे कि हमारे पास भेजिए, हम आपके बच्चे को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं। बिल्कुल सर, तो लोग हमें ये कहते थे कि नहीं, हमारा बच्चा इंग्लिश में मीडियम में पढ़ रहा है। जी, वो इंग्लिश मीडियम किसको बोलते थे सर? जो स्कूल प्राइवेट होती थी गांव में। यस सर, जो गांव में प्राइवेट स्कूल होते थे उसी को वो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम बोलते थे। बिल्कुल, तो हम जब उनको डिफरेंस समझाते कि इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल नहीं होता, जी जी,
इंग्लिश मीडियम अलग होता है, हाँ, हिंदी मीडियम अलग होता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का अलग अलग सिस्टम होता है। तब लोग बोलते हैं अच्छा अच्छा फिर ये आप वाला क्या होता, केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा दोगे फिर मेरे बच्चे का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग उनको समझाते थे कि नहीं, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे आपके, साइंस भी पढ़ाएंगे, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी जो भाषा है वो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो इंग्लिश रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर लोगों का ये आंसर आता अच्छा अच्छा तो फिर हमारा बच्चा जो इंग्लिश में बोलना शुरू करेगा तो फिर हम लोगों तो उसको भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। और कई लोग कहते थे हम तो बहुत किसान हैं, हम तो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम की जो शिक्षा होती है वो महंगी होती है, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कई तरह के ऐसे क्वेश्चन आते थे, साहब आपके पास तो आठवीं तक स्कूल है, आगे हमारे बच्चों का क्या होगा। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और उसको भरोसा दिलाया कि आपको सीनियर सेकेंडरी तक कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, हमने इसको वन बाय वन करके प्रमोट किया है, एक एक करके हम आपकी क्लास को प्रमोट करते जाएंगे और आपके बच्चे को 12th तक बहुत बढ़िया तरीके से इसको कर पाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास भी सर कुछ आपके स्टूडेंट केसीएस परिवार के जो पूर्व छात्र हैं जो इस संस्था से निकल के गए हैं जी, जिन्होंने इस नागौर जिले का नाम नहीं पूरे देश में केसीएस परिवार का एक नाम किया है, तो उन बच्चों से भी अपन थोड़ा जान लेते हैं एक बार। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपाली हमारे बीच में है सर, हमारे साथ जुड़ी हुई है दीपाली। ऑल द विजिटर्स, ऑल द गार्डन्स एंड ऑल द टीचर्स एंड अ लॉट ऑफ लव टू ऑल द माय जूनियर्स हियर, दिस इज दीपाली जांगिड। आई एम परस्यूइंग इन बीटेक, आई एम परस्यूइंग बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। हियर टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई स्कूल केस कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल दैट इज इन आवर टाउन कुचेरा नागौर। बेसिकली स्कूल इज एन educational institution that provides learning spaces, learning environment under the guidance of our teachers. I am going to tell you about KCIS. KCIS was established in 2001. That was the first an English medium school in our town. The director of the Kalpana Chawla International School is Mr. Kriparam Tholia sir. He is a very hard working person. This school is a, firstly it was a primary school. Now, after its success and better results, it is now in secondary, senior secondary school in the town. It is the first English medium school in our town. KCIS school has two more branches, first in Jail and second in Mehta. KCIS school has very progressive results and great achievements in both academics and sports activities. Firstly, I will tell you about the academic status of the KCIS. It was firstly primary, but it's now as the senior secondary school, and it was the first school in the in our town where it had tricked the 10th board examination result with more than 15 students scored 90 and 90 plus score during the era of 2016 to 2019. It is great achievements and. The best thing about the school is that if you are not able to understand any topic, the teacher will tell you or make you to understand even after the classes with his best efforts. Now I'm going to tell you about the sport activities of the Kalpana Chawla International School. It has two sports. First is basketball and second is hockey team. It is the first school in the area who has official teams for both the sports, basketball and hockey team. It has specialist coach named as Mr. Ashok Dukia. He is very good player and he has played national for many times. Under his techniques and his hard work of players, the KCIS team always occupies either first, second or third in district tournaments. It is great achievement for the KCIS school. KCIS school has teams for both boys and girls. And the KCIS teams are the best that the local teams has intense trainer about KCIS team. Today I am taking as a 4-time national player. I feel very, very proud that I am passed out from KCIS school. I used to be the captain of our team. So I really feel very good that I was the part of KCIS school. But I still feel the emotions and attachments that are attached with the KCIS school. The school was very blessed and I really feel very proud that I was part of that school and I am very glad
टू से दैट आई हैव सो मच रेस्पेक्ट इन दैट स्कूल. आई वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए स्पेशल चाइल्ड इन एवरी सिचुएशन. सपोर्ट मी इन अकेडमिक्स बट didn't support me only in academics but also support me in cultural activities, leadership and all the other activities that should of as a student must be performed. I'm really very glad that I am a part of KCI school and I really miss that school. I'm thanking to my director sir Mr. Kriparam Kholia and the principal Mr. Andaram Vishnoi, and I really miss all the teachers that support me and that support me so much and make me that I am standing today in this MNIT. Thank you very much and lots of love to all the visitors. Thank you Deepali. Sir, मैं आपको बताना चाहूँगा जी सर कि दीपाली हमारी फर्स्ट स्टूडेंट उस फर्स्ट बेच की स्टूडेंट रही है जी सर और बहुत ही होनहार है जी जी. ये पढ़ाई में भी उतनी ही मारती थी जितनी ये खेल के क्षेत्र में मारती थी जी सर. दीपाली ने अपने स्कूल के बैनर तले जी 3 बार नेशनल खेला है सर हॉकी के अंदर और अपने इस एरिया का और अपने माता पिता का सबका नाम रोशन किया है. अभी ये MNIT जयपुर के अंदर अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रही है. हम इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं. दीपाली आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को अपने विचार देने के लिए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं. थैंक यू सर. इस कैसियाई परिवार का जो आपने जो कैसियाई नाम का जो पौधा लगाया है जी. उसका विस्तार कैसे कब और किस प्रकार से हुआ? देखिए कैसियाई परिवार का जो पौधा लगाया था हमने 2005 के अंदर जी सर, ये चलते चलते 2-3 साल में थोड़ा ग्रो कर गया जी सर. और उसके बाद में हमारे पास में कुछ इस तरह के मित्र लोग थे और वो भी कुछ करना चाह रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में जी जी. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 2007 के अंदर हमारा इसका जो एक शाखा है जी. वो मेहरता रोड के अंदर स्थापित की थी जी सर, इसी नाम से जी सर. और उसके 2 साल बाद में जी 2009 में हमने जायल के अंदर इसकी एक और शाखा स्थापित की थी जी. जिसको अभी राजेंद्र जी चौधरी है वो इसको संचालित कर रहे हैं जी सर. और मेहरता रोड की जो है वो प्रेम सुख जी इसको संचालित कर रहे हैं जी सर. उसी श्रृंखला में हमने एक गरीब और जो कम बजट के पेरेंट्स हैं उन बच्चों की मदद करने के लिए हमने एक हिंदी मीडियम से शाखा कुचेरा के अंदर उसी साल खोली थी जी. और वो अभी भी हमारे बच्चों की जो है वो शिक्षा को जारी रखे हुए हैं और उन बच्चों की सेवा कर रही है सर. सर एक तरफ शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम की वो बहुत महंगी होती जा रही है हाँ हाँ. लेकिन आप जो गरीब माध्यम के जो बच्चे हैं अगर वो अंग्रेजी शिक्षा पाना चाहे तो आपने उन बच्चों के लिए क्या किया सर? देखिए ऐसा है सर कि जो अपन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंग्रेजी की जो शिक्षा होती है वो बहुत ही महंगी होती है. जिनकी जो फीसें हैं वो लाखों रुपए में हो रही है. गरीब आदमी मतलब पढ़ ही नहीं सकता. हाँ नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ सकता और सोच भी नहीं सकता जी. हम लोगों ने जो इसकी जो फीस है सर ऐसा कुछ इंग्लिश मीडियम के हिसाब से नहीं रखा है जी जी सर. हम सिर्फ पेरेंट्स से सिर्फ अपना वो पार्ट लेते हैं जिससे हमारी फैकल्टी और हमारा जो इस संस्थान का खर्चा है जी वो निकल जाए और एक वो कोई धन कमाने की हमारे को कोई वो उसमें इच्छा नहीं है जी सर. तो हमारी जो फीस है वो सर हिंदी मीडियम से लगभग मिलती जुलती है जी सर, जी सर. जो सिटी में हिंदी मीडियम स्कूल ले रहे हैं तो हमारी उससे भी कम फीस है जी जी. तो फीस को तो हमने शुरू से ये मेजर किया था जी जी. कि अपन को यदि किसान वर्ग को आगे बढ़ाना है और मेहनत कश परिवार को आगे बढ़ाना है जी. और उनके बच्चों को अपने देश के मुख्य धारा से जोड़ करते हुए और उनको देश के सुनहरे भविष्य के रूप में तराशना है जी सर. तो पेरेंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, उनकी इकोनॉमिक स्थिति को ध्यान में रखना पड़ेगा जी सर. और चूंकि मैं तो खुद एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ जी जी. तो मेरे माता पिता कितने संघर्ष कर रहे थे मेरी पढ़ाई के लिए जी जी. वो मैंने बहुत बखूबी से देखा और महसूस किया बिल्कुल. तो वो दर्द हमारे अंदर रहता है सर. हम किसी किसान की और मजदूर की जो फीलिंग है वो बहुत अच्छे से जानते हैं. हमारा कोई कॉरपोरेट सिस्टम नहीं है, हमारा तो एक सेवा का माध्यम है और इस सेवा के माध्यम से
जो भी हमसे बन पड़ता है हम बच्चों के लिए बेहतरीन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे सर। लेकिन सर आपका जो स्कूल है जी, वो एक कस्बे के अंदर है जी, लेकिन अधिकतर जो किसान परिवार जो है वो गांव में निवास करता है जी, तो जी, उनके बच्चे अगर कस्बे में आना चाहे, आपकी संस्था जुड़ना चाहे जी, तो उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की, मतलब किस प्रकार से उन बच्चों को गाँव से आपकी संस्था में आपने जोड़ा लाए, तो कोई साधन वगैरह या कोई वाहन आपने उपलब्ध कराया उनको? जी जी जी, देखिए सबसे पहले 2008 के अंदर हमारा जो व्हीकल था, काफ़ी हम लोग जैसे गांव में जाते थे, गांव के बच्चे भी पढ़ना चाहते थे उस समय जी सर, जी सर। तो 2008 के अंदर हमने अपना पहला जो व्हीकल था जी सर, उससे हमने शुरुआत की गांव बुटाटी से जी सर, बुटाटी पुनास उसकी कुछ आसपास के जो गांव थे वहां से हमने शुरुआत की जी सर, और उनका जो हमारा जो फर्स्ट ड्राइवर था वो मिस्टर पुनाराम, वो आज भी हमारे साथ में बहुत ही वफादार और बहुत ही नेक इंसान है, हम उनके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वहाँ से हमने शुरुआत की बिल्कुल, उसके बाद में जहाँ जहाँ से भी लोगों की इच्छा हुई थी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की, तो वो कारवां बढ़ता गया जी जी, और ये बढ़ते 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 आज जो हम पर्टिकुलर एरिया की बात करें जी जी, तो प्रत्येक जहाँ हम चाहे वो मेड़ता रोड हो, चाहे कुचर रोड हो, चाहे हमारा जाइल हो, इसकी परिधि के 35-30-40 गांव जी जी जो है सराउंडिंग के 20 किलोमीटर के एरिया में, उनको हम सब पूरे गांव को व्हीकल की फैसिलिटीज है वो मुहैया करवाते हैं। हमारे संस्थान के खुद की व्हीकल फैसिलिटी है, तो बच्चे आराम से जाते हैं, आराम से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सब अच्छे जो भी पढ़ना चाहते हैं किसान परिवार का, जो भी हमारी इस रेडियस में आता है कोई भी बच्चा आराम से पढ़ सकता है, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है उनका, कोई भी नहीं है, सिर्फ तेल के पैसे हम लोग लेते हैं और उससे उस वो जो बच्चा है उसको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाती है और आराम से वो पढ़ लेते। बहुत अच्छा सर। सर कुछ किसान के बेटे आपकी संस्था से निकलकर बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है जी, तो इस संस्था के पूर्व छात्र भी हैं, हम उसी प्रकार एक छात्र का अपन व्यू देखते हैं सर जी, वो संस्था के प्रति उसका क्या मतलब रहा, किस प्रकार से रहा जी? हाँ जी, अब अर्पित मुड्डा हमारे साथ है जी, तो बिल्कुल लेते हैं साहब। अर्पित हमारा बहुत ही होनहार स्टूडेंट है जी सर, और बिल्कुल उसका स्वागत है। थर्ड ईयर प्रोफेशनल MBBS फ्रॉम डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टू अ मेडिकल कॉलेज, माय जर्नी वाज नॉट सो मच इजी एंड वाज फुल ऑफ फेलियर्स, बट द थिंग दैट मोटिवेटिंग मी एंड गिव्स मी टू डू वर्क हार्ड कंटिन्यूसली वाज द इंटेंट ऑफ सक्सेस दैट कम्स विद मी थ्रू माय स्कूल KCIS, कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल। आई हैड बीन पार्ट ऑफ द KCIS सिंस 2003 and actually I was the first batch of our school. The environment of the school was so peaceful and cherishing, and the teachers are just like guardians, making study quite much more easier. And especially our CMD, Sri Karpanam Kholia, makes things out of the study and much easier than that. And his teachings was whole for of the whole life, not mere about studies. I adore to my school and hope the same for the youngsters who are presently studying there, and hope that they will make our school much more proud. Thank you. At last, I just want to say that thank you to all my KCIS team and CMD for making me what am I now. बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित। ये अर्पित हमारा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है सर जी जी जी, और बहुत ही होनहार बालक है ये जी सर। इतना सिंसियर था सर, मैं ये बहुत ही अभी तो काफी बड़ा हो गया है सर। इतना क्यूट था, मैं इसको गोदी में लेकर के सिखाता था। उस समय हमारे पास फैकल्टी कम ही हुआ करती थी, तो स्टार्टिंग में हम लोग एक्चुअली मैं खुद पढ़ाता था बच्चों को जी जी, तो मैंने उसको बहुत ही प्यार से गोद में लेकर के इसको एजुकेशन दी है। ये बहुत ही होनहार बच्चा है और अभी MBBS कर रहा है जोधपुर से, तो मैं इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और उससे उम्मीद करता हूँ कि जो इस वो ये पेशा इसने जो पेशा चुना है जी, जो प्रोफेशन चुना है MBBS का, ये जो अपने नागरिक है जो जनता है उसकी ये बहुत ही बेहतरीन सेवा करेगा बिल्कुल, बिल्कुल, और बहुत ही होनहार है, मैं उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित। सर कुछ ग्रामीण एरिया में जो किसान के बेटे हैं उनकी खेलों में भी बहुत ज्यादा रुचि है सर जी जी, है ना जी, तो उसकी खेलों में रुचि के लिए आपने अपनी संस्था में ऐसा मतलब क्या पहल की कि जो किसान के बेटे एक नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर भी खेल में जा सके? जी जी जी, नहीं खेलों के मामले में देखो कल्पना चावला हमेशा से एडवांस रहा है, कभी उसमें पिछड़ा नहीं।
2010 में हमने खेल की व्यवस्था सभी बच्चों के लिए कर दी थी जी। और हमारा जो स्कूल का मुख्य खेल है जी जी वो हॉकी रहा है जी सर। हॉकी में हमारा जो फर्स्ट टीम गई थी 2011-12 का सत्र था उसमें जी, जी जी उसमें वो हॉकी और बास्केटबॉल की हमने टीमें तैयार की थी जी। और वो फर्स्ट टाइम दोनों ही टीमें नेशनल गई सर जी सर। और 20 बच्चे छत्तीसगढ़ राजनाथ गांव से बहुत खेल कर गए और वो एक हमारा शुरुआत का दौर था। उसके बाद में कैसे इसने कभी पीछे मुड़कर के नहीं देखा। बिल्कुल, आज तक हम हजारों बच्चों को स्टेट लेवल तक पहुंचा चुके हैं और सैकड़ों बच्चों को नेशनल लेवल तक पहुंचा चुके हैं। हर साल ऐसा कोई साल नहीं जाता, ऐसा कोई साल नहीं जाता जिसमें हमारे 4 से 5 बच्चे नेशनल नहीं खेलते। बिल्कुल, बिल्कुल। और अभी मैं अभी बात करूं रिसेंटली तो इसी साल अभी जनवरी के अंदर 3 बच्चे हमारे नेशनल खेल के आए जिसमें से एक बच्चा मेडलिस्ट है। बिल्कुल, वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया है। बहुत बहुत हम उसके शुभकामना देते हैं। राजेश जाजरा बुटाटी गांव से हैं जी सर, तो हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं सर। कुछ एक बच्चा और भी हमारे साथ जुड़ा हुआ सर जो इस संस्था का पूर्व छात्र है जी, उसका भी अपन देख लेते हैं जी। हमारे साथ जुड़ी हुई है कृष्णा कंवर, हमारे साथ जुड़ी हुई है जी। तो कृष्णा कंवर हमारे साथ स्टूडियो पे आएगी सर जी। हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कंवर फ्रॉम बैच 2016 and 17। आई हैव स्कोर 95.17% इन 10th बोर्ड्स एंड आई आल्सो गॉट चांस टू मीट वसुंधरा राजे due to the efforts of my teachers and principals. I'm always thankful to them for their discipline. I have spent 10 years in KCIS. The time I have spent in KCIS is one of the most beautiful and memorable time of my life. From the journey of 1st to 10th class, I have experienced a lot of things. I got best teachers, good knowledge and good friends too. KCIS is not just a school, it's a family in which all are connected to each other and support each other in every situation. Due to the efforts of my teachers, I also get chance to show my interest in debate, speech and all. In KCIS, teachers developed me confidence in me due to which I can handle any situation and overcome any situation and can overcome my fear. Jai Hind, Jai KCIS. Jai KCIS Krishna. हमारे साथ बने रहने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा कंवर बहुत ही पढ़ाई के अंदर बहुत टैलेंटेड बच्ची है सर। इसने 95% मार्क्स बोर्ड स्कोर किया था और बहुत ही मेहनत कर रही है। अभी कृष्णा नीट की तैयारी कर रही है, हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से चाहते हैं कि ये डॉक्टर बनकर के अपने जो गरीब जनता है उसकी सेवा करें। संस्कार हमारे बच्चों में हमने कूट कूट के भरे हैं, सेवा भाव हमारे बच्चों में हमेशा से रहता है, तो हम उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में बने रहने के लिए। थैंक यू। परसेंटेज की सर यहाँ आपने बात की अभी, तो अपन 10th क्लास का जो फर्स्ट बोर्ड का जो आपने एग्जाम कराया बच्चों का जी, तो उस एग्जाम में आपका जो एक मिशन था 90+, वो कहाँ तक आपको सफलता प्राप्त हुई सर? देखिए सर, जब हमने इंस्टीट्यूट खोला था तो उस समय तो हमारा एक ही मिशन था कि हम जो बच्चे हैं उनको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन दिलाएं। जी 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 सर। हमने 2017 में मिशन 90+ की स्थापना की थी जी सर। तो उससे पहले हमारा जो नॉर्मली जो बच्चे चलते हैं एजुकेशन में उस हिसाब से सारा सब कुछ चलता रहता था जी सर। तो हमारा जो फर्स्ट बेस था उसमें 2013 के अंदर जो निकला था जी, उसके अंदर हाईएस्ट स्कोर 82 ही रहा था जी सर। लेकिन सभी बच्चे पास हुए, सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से निकले, ये हमें बड़ी खुशी थी क्योंकि अनुभव काम करते करते आता है जी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने आज केसीएस ने जो कुछ भी किया है वो अपने दम पे किया, किसी की नकल नहीं की, किसी का कॉपी नहीं किया जी। जो हम करते हैं वो सब हमारा ओरिजिनल है। आप कोई भी चीज़ जो देखोगे वो यहाँ यूनिक मिलेगी, बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी। उसके बाद में सेकेंड ईयर की हम बात करें जी सर, तो सेकेंड ईयर का जो बेस था वो बहुत ही बढ़िया बेस था, सभी बच्चे बेहतरीन ढंग से स्कोर करके आए और हाईएस्ट स्कोर जो था वो 92.5 था जी। उसका और सेकंड जो स्कोर था उसमें 90% रहा था मेघराज बटेसर का, और फर्स्ट जो 92 था वो मनीषा करवास रहती जी। दोनों ही बच्चे आज बहुत बढ़िया जगह पे हैं।
मनीषा जो है वो MBBS कर रही है बीकानेर से, जी बहुत बढ़िया, और जो मेघराज है वो NIT में अपना BTEC कर रहा है। और उसके बाद की हम बात करें 2015 की हम बात करें तो 2015 के अंदर जो हमारा हाईएस्ट स्कोर था वो 89 था सचिन खोजा का, और सचिन खोजा ने आगे जाकर के सर बहुत अच्छी प्रोग्रेस की, वो IIT रुड़की से अभी BTEC कर रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। लेकिन सर 2015, और ये सबसे बड़ी बात ये कि सचिन एक किसान परिवार से सर बिल्कुल बिलोंग करता है, एक छोटा सा गांव है नीमड़ी, वहाँ से वो बच्चा है, तो हम ये बहुत ही बढ़िया एक सुकून महसूस कर रहे हैं। आगे की हम बात करें रिजल्ट की हम सर, तो 2017-16 जो रिजल्ट, अगर 2015 की अपन बात करें जी, तो रिजल्ट आपका थोड़ा सा 2016 कंपेयर में कम रहा था, तो देखो ऐसा है कि 2016 में ऐसा आपने क्या किया कि आपके जो बच्चे हैं वो राजस्थान में टॉप पे आए और KCIS का पूरे राजस्थान में नाम हुआ, ऐसा क्या आपने किया? देखिए सर क्या होता है कि कोई भी बेस स्टार्टिंग में निकलता है तो आई थिंक हमारी टीम को और हम लोगों को एक्सपीरियंस होते होते होता है, जी जी। जैसा कि आप हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम सारा काम करके सीखते हैं, जी जी जी। तो दो बेस से हमने ये सीखा कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसे निकाली जा सकती, जी जी। तो 2016 का जो हमारा बेस था, तो उस समय हम लोग मेंटली और हर चीज से तैयार हो चुके थे, भी बच्चों को इस तरह से हम गाइडलाइन दें तो ये और अच्छा ग्रो कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल। और 2016 में सर उसका परिणाम ये निकला कि हमारे पास में 31 बच्चे थे, जी जी। और 31 बच्चों में से 12 बच्चे सर, हमारी उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इतना अच्छा कर पाएंगे, 12 बच्चे 90+ निकले थे। आपका जो मिशन है वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही शानदार वो रिजल्ट रहा, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद में सर KCIS ने कभी मुड़ के देखा नहीं, 2017 का उससे भी बेहतरीन निकला, 16 बच्चों को हमने निकाला, और फिर जैसे जैसे बेच आगे बढ़ते रहे और हर बच्चा हर तरह से करता रहा, कुछ लकीली बैच बहुत बढ़िया थे, कुछ बच्चे बहुत बढ़िया थे, छोटी छोटी जीत को एक बड़ी जीत में बदलने की कोशिश, हाँ कोशिश हमेशा बेहतरीन करने की रहती है, तो डेफिनेटली ये सब कुछ होता है, फिर बच्चों की भी बहुत मेहनत होती है इसके अंदर। तो इस प्रकार हम एक पूर्व KCIS की एक छात्रा है नीतू, वो भी सर हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उसका भी अपन बहुत बहुत स्वागत है नीतू का, बिल्कुल हमारे साथ उसको जोड़िए, कनेक्ट करिए, बिल्कुल सर अभी। और नीतू हम सुनना चाहते हैं, I am Neetu Singhvi, one of the passed out student of KCI. I have spent 10 years of my education in KCI. I am the very first student of KCI. Luckily, I used to grasp more and more attention and love from the faculties of KCI. Regarding my experience towards KCI, I would like to share my part of success with KCI. KCI has given me values, ethics, principles and grooming capability at every stage of my life. KCI has turned out me as strong, developing and independent person. Speaking about authorities and faculties of KCI, they are giving the best in terms of education. They are conducting more and more extracurricular activities. They are generating confidence. They are developing self-esteem. They are giving grooming power to their students. In the field of KCI, I used to build good relationship with my friends and had a positive interaction towards lecturers and got parenting behavior from my principal sir. Seriously, I have no words towards KCI to express my feelings. KCI is a mother for me who has set a target to me, which gives inner strength to me to achieve my goals, to succeed in my life. बहुत बहुत धन्यवाद नीतू। नीतू हमारे बेच की जो फर्स्ट अर्लियर बेच था, हमारे जो मैं बता रहा था कि हमारे दो बच्चे स्टार्टिंग हुई थी, उसमें से एक बच्चा ये नीतू थी। तो नीतू ने जो सारी एजुकेशन है वो KCIS से की थी 10th क्लास तक, और बहुत ही होनहार बच्ची है ये, अभी MBA कर रही है, और इसने तो ऐसी बातें बोलती कि मैं खुद स्पीचलेस हो गया, भावुक हो जाता हूँ जब उन बच्चों की जो बातें सुनता हूँ, तो वो मेरे को जो पुरानी मेमोरी है वो एक्टिवेट हो जाती है माइंड में। नहीं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, आप जीवन में उतरो उतरो इसी तरह से प्रोग्रेस और प्रगति पर आगे बढ़ती रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। KCIS की सर जो टीम है उसको आगे बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया कि उसकी आहट आज एक दूर दूर तक सुनाई दे रही है?
टीम आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी इंस्टीट्यूट के लिए। जी सर। और भगवान का आशीर्वाद रहा कि मुझे बहुत ही बेहतरीन लोग मिले। जी सर। ये कोई कर्मों का पुण्य है और आई हो सकता है कि ये हमारे बच्चों की कुछ भाग्यशालीता है मान सकते हैं। दूसरी बात अपन बोलेंगे भाई इस टीम के लिए आपने क्या किया कैसे किया। तो टीम को कभी मैंने टीम के हिसाब से नहीं सोचा सर। जी जी। एक्चुअली आज मेरे से जो भी जुड़ता है वो एक मेरे परिवार का सदस्य है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक सबसे एक निवेदन रहता है और सबसे एक आग्रह रहता है कि जो भी कैसे इस परिवार से जुड़ता है वो अपने आप को यहाँ कोई ऐसी नौकरी करने के लिए ऐसा नहीं सोचे। वो हमारे एक परिवार का हिस्सा है, इस कैसे इस परिवार का हिस्सा है और हर व्यक्ति अपने परिवार की सोच से ही यहाँ जुड़ता है सर। जी जी। यहाँ कोई पैसे की सोच से नहीं जुड़ता। जी सर। तो परिवार आगे बढ़ाना होता है। जी सर। तो वो अपनी अपनी जो मेहनत है वो अपना परिवार मान के करते हैं और सबका बहुत प्यार मिलता है, बहुत का सहयोग मिलता है। और मेरी टीम तो बस मेरा परिवार है और हम उनके लिए रात को हाजिर रहते हैं। टीम जो है वो हमारे रात को हाजिर रहती है, यही इसका मूल मंत्र है। हमने कोई ज़्यादा ऐसा कोई प्रलोभन या लोभ लालच ऐसा कुछ नहीं दिया जिससे वो टीम काम करे। आई थिंक हमारा तो यही एक परिवारवाद का एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग परिवार की इस तरह रहते हैं, परिवार की तरह सब चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, सब साथ में खुशियां मनाते हैं। इस केसिया इस परिवार का पूर्व छात्र महिपाल भी सर हमारे साथ जुड़ चुका है जी, तो जी। उसको भी अपनी बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, महिपाल का स्वागत है। हेलो एवरीवन, आई एम महिपाल तोलंबिया एंड आई एम एक्स स्टूडेंट ऑफ कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल। आई हैव पास्ड 10th क्लास 2016 with 93.83% from KCIS Kuchera, and all credit goes to Kalpana Chawla's faculty and Mr. Kipram ji sir. वहाँ के teacher बहुत ज़्यादा motivate करने वाले हैं और बहुत ही friendly nature के हैं। मैं अभी महाराजा से BSc कर रहा हूँ, मैं तो ऑनर्स से सेकेंड ईयर के अंदर हूँ। मुझे मतलब मेरा बेस बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन वहाँ पढ़ने के बाद मेरा वीक मतलब बेस इतना मजबूत हुआ कि आज मैं मतलब टॉपर्स की गिनती में आता हूँ। पहले मैं बहुत ही वीक स्टूडेंट था स्टडीज़ के अंदर, और वहाँ मुझे मतलब हर एक चीज़ जीरो लेवल से सिखाई गई, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू फैकल्टी। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार फैकल्टी है कल्पना चावला स्कूल की। वहाँ मैंने बहुत से एक्सपीरियंस लिए, और जब मैं बाहर की दुनिया में आया मतलब मैं जयपुर आ गया, तो मैंने यहाँ आके मतलब ऐसा महसूस किया कि वहाँ जैसा नेचर मुझे कहीं नहीं मिल सकता। सच में इतना ध्यान कोई नहीं देता हर एक स्टूडेंट पे, मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट पे वहाँ पे ध्यान दिया जाता है स्टडीज़ पे कि भाई कौन कैसा पढ़ रहा है, किसका क्या टॉपिक भी, कि उनको अलग से क्लास से लगा के उनको पढ़ाया जाता था। और जो कल्पना चावला जी है जो नासा के एस्ट्रोनॉट थे, अब वो नहीं रहे, वो मेरे लिए हमेशा मोटिवेशन इंस्पिरेशन रहे हैं। उनकी वजह से मैं हमेशा मोटिवेट होता रहा। वो जब छोटे थे तब वो जब एरोप्लेन को देखते थे तो उनका एक ही सपना था कि एक दिन मैं भी है ना एरोप्लेन के अंदर बैठूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल। महिपाल सर इतना संघर्षित छात्र है, मैं इसके जीवन के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये हमारे सेकेंड या थर्ड ईयर जो स्टार्टिंग का था उसका छात्र रहा है। ये जब मेरे पास में आया तो मेरे को बोला था कि सर वैसा नहीं है, पढ़ना चाहता हूँ। तो मैंने कहा टेंशन मत ले, आ जा मेरे साथ, तेरे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। जी जी।
तो ये बहुत मेहनती और बहुत ही होनहार है। जब ये टेंथ में था सर जी सर, तो इसके जो मदर थे वो बीमार रहते थे, तो उन्होंने कहा सर मैं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हूँ मेरे को, और मैं आपके साथ रहना चाहता। तो ये मेरे साथ रहा था एक महीना, और बड़ा मतलब ये हंसमुख स्वभाव का और बड़ा यूँ खुश मिजाज बच्चा है। जब मैं बोलता महिपाल देख बोर्ड की एग्ज़ाम है अब तैयारी करनी है अच्छे से, तो ये मेरे को हमेशा एक बात बोलता था, सर एक घंटा मूड फ्रेश करूँगा उसके बाद पढ़ूँगा। तो ऐसे ये पढ़ता था और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने 93.50 समथिंग उस मार्क्स उस समय लिए थे, और बहुत होनहार है ये, आगे जीवन में ये बहुत प्रगति करेगा, इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। महिपाल आपने अपने विचार दिए, अपने केसीएस की जो पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जैसे कई जगह अपन देखते हैं कि कुछ लोग संघर्ष में हार जाते हैं सर जी, आप जब केसीआईएस नाम का जो पौधा आपने लगाया उस समय आपके पास दो बच्चे थे जी, और दो बच्चों से आज मतलब आपने ऐसा कभी महसूस नहीं किया कि ये दो बच्चे हैं तो आगे भी बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब ऐसे मन में, लेकिन आपने जो इस दो से आज एक कारवा बढ़ा है तो आपने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इस प्रकार से आप लगातार बढ़ते गए, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सर कि दो बच्चों से किसी भी इंस्टीट्यूट को ग्रो करना और उसको रन करना बहुत मुश्किल होता मुश्किल है सर। तो जब हम लोगों ने प्रयास किया स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था हम लोगों को, दो ही बच्चे आए थे हमारे, एक महीने तक दो ही बच्चे रहे, तो हमारे सभी मित्रों ने और इवन मेरे माता पिता ने भी मुझे बोल दिया था कि फालतू में जिंदगी खराब मत कर, यहाँ कुछ नहीं होना, यहाँ तेरी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है जी, बिल्कुल, और अभी तेरे पास में उम्र है मात्र, मैं 22 साल की उम्र में सर बहुत जिद्दी था बचपन से, जो ठान लेता था वो करता था जी, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जी छोड़ दे फालतू का, ऐसा मत कर, कुछ बढ़िया तैयारी कर ले, अभी तेरी अच्छी नौकरी लग सकती है जी, तो सब लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया जी। और जो भी सर मुझे उस समय की बात बताऊं मैं आपको, एक सिंगल आदमी भी मोटिवेशन देने वाला नहीं मिलता था जी। सब लोग बोलते थे कल्पना चावला स्कूल थोड़ी चलेगा, ये तो चल ही नहीं पाएगा, ये तो दो बच्चों से चल रहा है जी सर। ये तो रात को उठ जाएगा, ये तो भाग जाएगा, मतलब इस तरह से लोग कमेंट करते थे जी, जी। और सर मैं बताऊं उस समय मेरे सामने कितनी बड़ी चुनौती थी, जेब में सर पैसा नहीं था, और जब मैंने मेरी जिद नहीं छोड़ी तो मेरे परिवार वालों ने भी मुझे बोल दिया कि भाई देख तू तेरी जिद को पकड़ के बैठा रहे, तू जाने तेरा काम जाने, हम तेरे फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं करेंगे ठीक है। तो सर एक तो जेब खाली जी, और एक इतना बड़ा संघर्ष, और तीसरा कि इंस्टीट्यूट ग्रो नहीं कर रहा जी। तो मेरा यहाँ सिटी से सर 4 किलोमीटर दूर ट्यूबवेल है जी सर, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस समय मेरे जेब में कुछ भी नहीं था, खाली जेब थी जी। मैं पैदल चल के स्कूल से मेरे घर जाता था और घर से मैं पैदल चल के वापस आता था जी सर। कई बार ऐसा होता था कि बरसात का मौसम होता था सर जी, जी, जी। तो जो हमारा ट्यूबवेल का जो मार्ग है सर वो सर। पानी से भर जाता जी। और कई बार मैंने अपने जूते और चप्पल जो है उस कीचड़ में खोई है सर जी, जी, जी। लेकिन कभी हारा नहीं सर मैं, मतलब जिंदगी में हार नहीं मानी, और एक अंदर से कुछ ऊपर वाले की कुछ नियामत होगी या पता नहीं, उस समय मैं भी कभी कभार सोचता हूँ कि इतना हौसला उस समय कहाँ से आया था जी, जी, जी। तो कभी वो चीज़ फील नहीं हुई सर, मतलब हार तो कभी माना ही नहीं, जिंदगी में कैसी भी विकट और किसी भी कठोर परिस्थिति मेरे सामने आई मैंने कभी जिंदगी में सर पीछे मुड़ के देखना नहीं, मैंने सोचा नहीं था, और कभी ऐसा मेरी फितरत में था ही नहीं, ये कोई भगवान का आशीर्वाद है या ऐसा ही नेचर बनाया करे भेजा है उस ऊपर वाले ने, तो मैं ऊपर वाले का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। एक केसीएस परिवार के एक पूरे छात्रा निधि, वो भी सर अपनी बात रखना चाहते जी जी। निधि हमारे जाहिल ब्रांच की बहुत ही होनहार बच्ची है, उसको बिल्कुल उसका स्वागत है निधि। निधि भी अपनी बात रख। हेलो एवरीवन, दिस इज निधि कांकानी, एक्स स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। आई एंटर्ड इन कल्पना चावला स्कूल व्हेन आई वाज इन फोर्थ स्टैंडर्ड एंड लेफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th, एंड करेंटली आई एम पर्सूइंग माय सीए। आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाउंडेशन एग्जाम्स एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीए इंटरमीडिएट। So I am feeling very nostalgic right now while recording this video, as it brings back all the memories I have made in the school. Kalpana Chawla School definitely holds a very special place in my life, as I had been a part of the school since the day it had opened, and I
have spent 7 years of my life. Like 7 years, it seems a very long time, right? But no, those 7 years just passed within a blink of an eye. And it just seems like yesterday to me. And Kalpana Chawla School was just like second home for me. This is the place where I have grown up. This is the place which has given me so many good friends for life. This is the place which has given me so many good teachers who have given me best lessons for life. The school has taught me a lot. And I miss the school. I miss just everything about the school, like everything. I miss those extra classes on Sundays. I miss those group discussions with my friends upon everything and nothing. I miss those dance practices for 26th January and 15th August. I miss those sharing food in lunch with friends. I miss those scoldings by teacher for not maintaining discipline and for making too much noise in the class and a lot more. And the school is very special. And what makes it so special is its management, especially Rajendra sir and Kriparam sir. The effort and the hard work which these two had put into the school to make the school number one is really commendable. I remember when I was in school, Rajendra sir used to make sure, Rajendra sir was very particular about each and every student, and he used to make sure that each and every student is present in the class, and if anyone was absent, sir used to call that student's home, sir used to make a phone call at that student's home and used to call that student back to school. And I remember whenever I had any problem in school, like related to anything, I used to just directly go to Rajendra sir's office, and Rajendra sir would just solve that problem in the next minute only. So he was that particular. And not only Rajendra sir, but every teacher had been very cooperative and had been there for the students whenever the students had doubt in any subject, no matter what. And of course, how can I forget the motivation speeches by Kriparam sir? Like those motivation sessions by Kriparam sir has literally helped me a lot in my life to become a better version of myself. I literally can never forget those 7 years spent in Kalpana Chawla. Those 7 years full of hard work, effort, pain, happiness, patience, motivation, and a lot more. And of course, fun. So I wish I could relive those 7 years, but obviously it's impossible and we have to move on in our lives. So I would just thank all my teachers and all my batchmates for giving me the best days of my life. And I would love to thank Kalpana Chawla for making me today whatever I am or will ever become in future. So thank you. Bahut bahut dhanyawad Nidhi. Nidhi actually bahut hi honar chhatra hai. CA कर रही है अभी ये हमारे जाइल ब्रांच की जो स्टार्टिंग थी उसकी ये छात्रा है तो पूरी जो इसकी एजुकेशन है वो थर्ड फोर्थ से लेकर के आगे की पूरी पूरी अपने यहाँ कैसे इस जाइल से ही हुई है और इसका सबसे बढ़िया हाईएस्ट स्कोर था अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी 95% इसने बनाए थे तो आगे भी इस तरह से ये दिनों दिन तरक्की करती जाए प्रगति करती जाए मैं इसके बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं इसने मोटिवेशन की और राजेंद्र जी की बहुत बहुत तारीफ़ की मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं हमें लगता है कि हम कोई मेहनत कर रहे हैं वो कहीं बच्चों के दिमाग में बिल्कुल है। बिल्कुल सर सारे बच्चे जी 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 सर आपने जो कल्पना चावला के नाम से अपनी संस्था रखी जी तो जी। कल्पना चावला के नाम से आपकी क्या सोच रही कि इस नाम से संस्था को रखा एक तरफ लोग पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं दूसरी तरफ आपने एक महिला के नाम से इस संस्था की स्थापना की जी। तो आपकी क्या सोच है सर जी देखिए सर जब हमने स्कूल ओपन किया था उस समय हमें कोई ना कोई टाइटल चूज करना था कि भाई एक हमारे इंस्टीट्यूट का कोई नाम हो जी जी तो एक्चुअली क्या है कि शुरू से ही मोटिवेशन का मुझे शौक रहा है और मैं खुद मोटिवेट होता रहता हूँ और दूसरों को भी जो मेरे साथ रहते हैं उनको मोटिवेट करता रहता हूँ जी सर तो मुझे कोई राजनीतिक या धार्मिक नाम तो रखना नहीं था बिल्कुल मतलब एक इंस्पिरेशन ऐसा नाम रखना था जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले और विशेष तौर से जब सर हमने स्कूल ओपन किया था जी तो उस समय तक भी यदि मैं बात करूं तो यहाँ महिला की जो साक्षरता थी जो बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं जी जी तो सर बहुत कम थी जी तो ये सोच मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं थी कि हमारी जो इस एरिया की जो छात्राएं हैं जी वो भी बहुत कुछ कर सकती है तो उस हिसाब से हमने ऐसा एक इंस्पिरेशन नाम चूज किया जी सर
उस समय कल्पना जी की रिसेंटली डेथ हुई थी 2003 के अंदर जी जी। तो मेरे सामने इनसे बड़ा कोई नाम उस समय मेरे को नज़र नहीं आया था, और आई थिंक मेरे को आज भी कोई इनसे बड़ा नाम नज़र नहीं आ रहा। ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर। जी सर। जिस समय लोग खाने पीने को तरसते थे, उस समय कल्पना जी के माता पिता ने उनको पढ़ा करके एक बहुत बेहतरीन एस्ट्रोनॉट बनाया, और इसने भारत और दुनिया में अपने देश का जो नाम है वो रोशन किया, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है सर। तो एक ये प्रेरणा भी हो सकती है कि एक तरफ गांव में ग्रामीण एरिया की अगर बात की जाए तो बच्चों को पहले लोग पढ़ाने से डरते थे जी जी, लेकिन जी। जब कल्पना को देख के लोग प्रेरित हो तो हुए होंगे कि इस बेटी ने पूरे विश्व में भारत का नाम किया है, तो आप मतलब हमारी बेटियां भी नाम करें तो जरूर संस्था जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये लोगों को बिल्कुल अच्छा लगा था कि भाई जब कल्पना चावला कुछ कर सकती है तो हमारी बेटियां भी कुछ कर सकती है, कर सकती। और बिल्कुल यही हुआ है। आज जो हमारी बेटियां हैं सर बहुत कमाल कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चियां हैं बहुत कमाल कर रही है। आप इंटरव्यू में देख रहे होंगे आज देखो आज हमारे साथ जो लाइव शो है बिल्कुल, इसके अंदर देखो हमारी एक छात्राएं ज्यादा जुड़ी हुई, छात्र कम जुड़े। तो बेटियों का तो प्यार है वो हम लोगों को हमेशा से मिलता रहा है, और ये उत्तरो उत्तर जो है ये बढ़ेगा। हम बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस महिलाओं को जो हमारी 50% आबादी है सर देश की जी, और मैं कह रहा हूँ बहुत मेहनत करते हैं ये लोग जी, जी। बहुत ही इनका जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। तो आई थिंक कल्पना चावला जो है वो जो हमारी डॉटर्स है, बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनके लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले हैं, वो किसी भी दृष्टि से अपनी जो एजुकेशन है वो बाधित न करें। कल्पना चावला आप सबके साथ में बेटा, आप टेंशन ना लें, और हम पूरी तरह से आपकी जो एजुकेशन है जितना सजा और संवार सकते हैं हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक प्रगति खंडेलवाल भी सर जुड़ चुकी है, तो केसीआई इसकी पूर्व छात्रा है और आईआईटी में अभी है सर वो। जी जी जी, तो प्रगति खंडेलवाल I was in KCIS from class 4 to class 10. Recently, I completed my class 12. I will further pursue B.Tech. In class 12, I got 89%, but I wasn't as much delighted and excited by my results as compared to my class 10 results. I got 93.17% in class 10. It was completely the result of hard work, dedication and support of all the teachers. Especially, I would like to thank Rajendra ji sir for all his efforts for making me successful in my very first stage of school life. He is my role model as he never discouraged. Whenever I was demotivated and gloomy, he was the person who always supported me and guided me in my toughest times. He always emphasizes on giving equal opportunities to the students for their personal and social development. The support system I got in KCIS, I didn't get it again, and I know it very well that I won't get it again in future. I miss those scoldings, guidance from teachers for being undisciplined as I was an extrovert. These all things made me very disciplined and strong in my life. The staff of KCIS is very much talented, and in KCIS I get the chance to develop myself in social, cultural and extracurricular activities like gaming, debates, etc. I miss my friends who are still with me from the day I was enrolled in the school. They have also achieved their desired goals. Now my heart is full of emotions and memories of KCIS. I can't speak anymore as it will make me cry. In the last, I consider my KCIS the best school among all the schools. Thank you so much. Jai KCIS. Jai KCIS Pragati. Pragati बहुत ही होनहार छात्रा है सर हमारी, और ये IIT की प्रिपरेशन कर रही है। भगवान से प्रार्थना है कि IIT में जाकर के हमारे देश के लिए कुछ नई मशीनरी, कुछ नया इस तरह का आविष्कार करें जिससे हमारा जो जीवन है और ज़्यादा सुगम हो। हम इसके बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रगति हमारे साथ बने रहने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज कैसे इस परिवार किस स्थिति में है? हाँ सर, कैसे इस परिवार की तो स्थिति आज की हम बात करें तो देखिए, दो बच्चों से हमने शुरुआत की जी, और ये जो आज कारवां बढ़ता बढ़ता हमारे 3000 बच्चों तक पहुंच चुका है जी। कैसे इसके पास में आज 50 से ज़्यादा व्हीकल हो चुके हैं जी जी। लगभग 1500 से 2000 के बीच में गार्जियन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं जी सर। तो ये कारवां धीरे धीरे बढ़ रहा है, हमारा परिवार जो है हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है जी। और अभी जो कारवां है सर, ये असली असली उड़ान तो अब शुरू हुई है सर। एक्चुअली अब जो हमारा परिवार है अब ये और बड़ा होने वाला है जी, और बहुत ही सुपर डुपर होने वाला है जी जी। तो आज आई थिंक जितना बढ़िया उत्तर उत्तर कैसे इसने प्रोग्रेस किए, कैसे इस परिवार की साइज कभी छोटी नहीं हुई और कभी होगी नहीं जब तक भगवान का और हमारे मित्रों का हमारे सब शुभ चिंतकों का और अभिभावकों का आशीर्वाद रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चों का प्यार है वो हमेशा से हमारे साथ में रहता है, तो जितनी हम लोगों बच्चों की मदद कर सकते हैं वो हमारा सौभाग्य रहेगा सर। बिल्कुल सर। सर हमारे साथ एक राधिका नाम की जो पूर्व छात्रा है जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल, उसके भी सर विचार जान लेते हैं सर एक बार। और बहुत तो राधिका हमारे स्टूडियो में है सर, तो उनसे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राधिका जांगिड, आई एम डूइंग बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय फाउंडेशनल स्टडीज फ्रॉम कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल। आई हैव स्टडीड देयर फ्रॉम नर्सरी टू 10th क्लास। इट मीन्स आई हैव स्पेंड 13 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माय लाइफ देयर। आई हैव लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट स्कूल, नॉट जस्ट रिलेटेड टू स्टडीज बट ऑल्सो other things like morality, nationalism, respecting and obeying others, how to stand steadily with the true and right things, etc. The staff teachers were very nice and I am still in contact to some of them. They were very hardworking, caring and dedicated to their work. The connection between the teacher and student was not just because of that 200 pages of book, but actually our relation was like that of parents and their children. That's why the school was like my second home. Every year there is something new in the school building and there is development in the school. All the credit for this goes to Mr. Kriparam Dhulia sir, the director of this school. He tries to provide every needed and needed material and resources to their children, not just in the field of studies but also related to other curriculum activities. Thank you so much sir to provide us that positive environment and to make this clay soil into the finished utensil which is burning itself into the fire of life's struggle and making itself to hold the water of knowledge and experiences. Thank you sir. बहुत बहुत धन्यवाद राधिका। राधिका हमारे थर्ड बैच की, थर्ड ईयर की जो स्टार्टिंग का थर्ड ईयर था उसकी स्टूडेंट रही है और नर्सरी से लेकर के उसने 10th तक की पूरी एजुकेशन यहाँ से की। बहुत होनहार, बहुत मेहनती, हर एक्टिविटी में भाग लेने वाली है हमारी छात्रा थी जी। इसने 10th क्लास में 95.50 स्कोर के साथ में इसने अपना 10th पास आउट किया यहाँ से 2016 के अंदर, और बहुत ही मेहनती बच्ची है। और आगे इसने पूरी गाइडलाइन ली कि मैं IAS बनना चाहती हूँ, और इसी हिसाब से इसने जो BA का लिया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जी जी। और IAS की तैयारी कर रही है। मैं चाहता हूँ कि इसके उज्जवल भविष्य की कामना हो और ये प्रशासनिक तौर पे बेहतरीन एक प्रशासक साबित हो और अपने देश में जितना भी करप्शन है वो कम हो और अपने जनता की सेवा करें। हम उसके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राधिका हमारे साथ बने रहने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर आपने जब हमने देखा कि बालिका शिक्षा में जो जो गाँव हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, क्योंकि जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चियों को बाहर भेजने से पढ़ने के लिए काफ़ी डरते थे। गांव में जितनी क्लास तक स्कूल होती थी उसको वहां तक पढ़ाते थे, लेकिन जब बच्ची कैसिया इस परिवार से जुड़ती है और वो
मेडिकल या इंजीनियरिंग के क्षेत्र या कोई और कोई क्षेत्र में देश के दूर दराज के कोनों में चली जाती है। जी, आप माँ बाप को क्या विश्वास दिलाते हो कि मतलब कि आप की जो बच्ची है वो बाहर जाएगी तो वो माँ बाप डरते क्यों नहीं? देखिए ऐसा है सर कि सबसे बड़ी जो बात होती है आई थिंक बच्चों में संस्कार की होती है, तो हमारे बच्चों में वो संस्कार होते हैं जी जिससे वो अपना प्लेटफॉर्म खुद तलाशते हैं और तैयार रहते हैं। जी सर। और माँ बाप जो है देखिए डेफिनेटली यदि जिस माँ बाप को अपने बच्चे पर कॉन्फिडेंस है जी तो सर, वो कोई डटने वाली बात नहीं होती। और हम बच्चों में मैं मेरे कई बार हमारी बातों में आपको मैं पहले बता चुका हूँ जी सर कि हम बच्चों में लीडरशिप पैदा करते हैं। जी, सबसे बड़ी बात ये जी सर। तो मेरा बच्चा कोई भी केसीएस का कोई भी बच्चा है कभी डरता नहीं है सर जी, बहुत। और हम बचपन से उतनी खतरनाक लीडरशिप डेवलप करते हैं बच्चे के अंदर कि हमारा बच्चा भारत नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के अपने आप को स्थापित कर सकता है और वह झंडे गाड़ के आता है, वो कभी हारता नहीं है। और बिल्कुल हमारी बेटियां भी कंधे से कंधा मिला करके आप देख पा रहे हो, कोई IIT कर रही है, कोई MBBS कर रही है, कोई IAS की तैयारी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आज कहीं भी बच्चियां जो है बिल्कुल अपना पीछे नहीं है लड़कों से जी। और वो हमेशा से उन्होंने बेहतरीन अपने आप को साबित किया है और वे है। और मैं तो ये सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें और उनको निडर बनाएं, तो बच्चा अपना ख्याल खुद रख सकता है सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और अभिभावक तो इवन ये मानते कि जब स्कूल में बच्चा होता है तो वो ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं अपने आप को। तो अभिभावकों को हमने इतना भरोसा दिया, इतना मतलब वो उस काबिल अपने आप को साबित किया, तो ये बच्चों में शुरू से संस्कार रहते हैं सर। जी, जी जी। तो इसी क्रम में अगले क्वेश्चन से पहले एक बच्चा हमारे साथ राजपाल जुड़ चुका है सर जी। तो वो KCIS का पूर्व छात्र है सर जी, उसके जी। भी अपन विचार जान लेते हैं एक बार। जी बिल्कुल, राजपाल का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर। सभी अभिभावकों एवं विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार, राम राम। मेरा नाम राजपाल छाबा है, मैं वर्तमान में श्री MP सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जामनगर में MBBS फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल गुजरा से की है। मैं आज आपको उसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैंने कक्षा 7वीं के अंदर कल्पना स्कूल ज्वाइन की थी और मैं पहले हिंदी मीडियम गाँव के हिंदी मीडियम स्कूल में था और कल्पना चावला स्कूल इंग्लिश मीडियम है। तो जब मैं 7वीं कक्षा के अंदर इंग्लिश मीडियम में आया तो मेरे को काफ़ी दिक्कतें फेस हुई, लेकिन मेरी पूरी टीम कल्पना चावला की स्कूल की, मेरे जितने भी टीचर्स थे, CMD सर, करप्राम जी, ठोलिया सर ने, उनको मेरे को सब ने मेरा सपोर्ट किया और स्पेशल मेरे लिए लैंग्वेज क्लासेस लगाई ताकि मेरी इंग्लिश ठीक हो जाए। और वहीं से मेरी इंग्लिश ठीक हुई और मैं इंग्लिश सर्वे करने लगी। अब मैं आपको जो मेरे को कुछ अलग चीज़ें लगी कल्पना स्कूल के बारे में वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़, यू हैव टू बी लर्नर इंस्टेड ऑफ रीडर। आपको वहाँ पर स्कूल में सिखाया जाता है ना कि आपको पढ़ाया जाता है। जैसे कक्षा 10वीं के अंदर जब हम थे तो हमारे लिए अलग से रेफरेंस बुक्स, जो बड़ी बुक्स आती थी, NCERT का सिलेबस RBC का बहुत छोटा होता है उनके कंपेयर में, वो हमें रेफरेंस के तौर पर पढ़ाई जाती थी। उनसे हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला साइंस में और मैथ में, अलग अलग उनकी रेफरेंस गाइड्स पढ़ाते थे। उनका सिर्फ एक मोटो ये नहीं है कि आपको पढ़ा दिया या एक चैप्टर पढ़ा दिया, आपको एक न्यूमेरिकल एक चैप्टर था मैथ का, फिजिक्स का, साइंस का, कोई भी आपको पढ़ा दिया और आप उसमें नंबर ले आए उसको रट दिया, नहीं। कि आपको सिखाना है आप उससे रिलेटेड अलग क्वेश्चन कर सकते हो। और दूसरी चीज़, मैंने वहाँ पर एक मेरी सबसे बेस्ट लगी टीचर्स। मैं कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल के सभी टीचर्स को आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे को दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर्स मिले। एक तो स्टूडेंट्स का और टीचर्स का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, और उन्होंने फिजिक्स हो चाहे मैथ हो या साइंस हो या SST हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हर सब्जेक्ट के अंदर हमें बेस्ट से बेस्ट टीचर मिलते थे। और वो हमें हमेशा पढ़ाने के लिए, हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, हमारे टेस्ट अरेंजमेंट हो, वो हमेशा बिल्कुल एक बर्डन नहीं समझते थे, एक एजुकेटर की तरह पढ़ाते थे। तीसरी चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी कि प्रोफेशनल एजुकेटर। हमारी जो CMD सर है, करप्राम जी, ठोलिया सर, वो पेशेवर शिक्षक हैं। उनका मूल पैसा शिक्षा है, शिक्षक है, स्कूल है, पढ़ाना पढ़ना ये है। वरना आजकल हम देख रहे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर लोग व्यापार से, अलग अलग जगह से पैसा लाकर शिक्षा, स्कूलिंग, एजुकेशन सेक्टर के अंदर लगा रहे हैं,
और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देते हैं, वहाँ पर हजारों को तादाद में बच्चे भर देते हैं जिनका आगे कोई भविष्य और कुछ नहीं। उनका मूल उद्देश्य होता है व्यापार। लेकिन मेरा मानना है कि एक शिक्षक हो वही अच्छी तरह से आपके बच्चे को सिखा सकता है, पढ़ा सकता है। और चौथी चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के मामले में स्कूल के अंदर आपका डेली असेसमेंट होना, आपके टाइम टू टाइम टेस्ट होने, प्री बोर्ड होने, क्लासेस के अंदर टाइम टू टाइम क्लासेस लगनी, ए टू जेड। मैंने आज तक ऐसा दिन नहीं देखा जब हमारे कोई क्लास नहीं लगी हो। भले ही कोई टीचर्स मान लो किसी काम से नहीं आए, लेकिन उसकी जगह दूसरा आपको टीचर्स दिया जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। और एक्स्ट्रा क्लासेस, इवन संडे को क्लासेस, मैंने कुछ संडे को क्लासेस ज्वाइन की है जो कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होती थी, फिर भी उनका सेक्रीफाइस था कि वो हमारे लिए संडे को क्लासेस करते थे। और सब पांचवी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर हमारी जो कल्पना चावला स्कूल है, हॉकी के अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कल्पना चावला स्कूल का नाम है। एक मेरी खुद क्लासमेट थी दीपाली जांगीर, जो भी MNIT जयपुर में, वो हॉकी के अंदर 3 बार नेशनल है। तो इसके लिए भी आपको टोटल डेवलपमेंट आपके स्टूडेंट्स का हो जाता है। और फाइनल और मेन चीज़ मैंने देखी कि जैसे आजकल 10वीं के अंदर 12वीं के अंदर बोर्ड के रिजल्ट आते हैं, थोपके भाव रिजल्ट आ रहा है 90% 95%, बाद में वो कंपटीशन के लेवल में जाते हैं अलग अलग, उनमें वो फाइट नहीं कर पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, और फिर उनके परिजन भी सोचते हैं, घरवाले सोचते हैं विद्यार्थी कि हमारा बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो सोचते नहीं, क्योंकि स्कूलों में आजकल वर्तमान में ऐसा हो रहा है कि उनको सिर्फ रटाया जाता है, सिर्फ रटाया जाए, उनको नंबर कैसे बनाया जाए, उनको लिखावट कैसी हो, उनकी राइटिंग कैसी हो, पैराग्राफ कैसे बनाएं, उन पर ध्यान देंगे, ना कि आपका बच्चा कितना सीख रहा है, उसके अंदर स्किल्स कितनी आ रही है। मैंने कल्पना चावला स्कूल के अंदर ये सबसे बड़ी वो टीचर्स की खासियत थी, हमारे CMD सर की खासियत थी कि उन्होंने हमको हमेशा सिखाने की कोशिश की। ऐसे नहीं कि जो आपके बुक्स के अंदर क्वेश्चन है वही डाले, बुक्स से हटकर अलग अलग क्वेश्चन डिजाइन किए, आप किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो, वो सब चीज़ स्किल्स जो हमारे आगे तक काम आई। और उन्होंने जब मैं कोई भी कंपटीशन फाइट कर रहा था जैसे नीट के लिए, तो उसमें मेरे को बहुत हेल्प की। मैं इसलिए एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को कोई भी स्कूल में डालो XYZ में, लेकिन एक असेसमेंट कर लेना कि मैनेजमेंट कैसा है, कि वहाँ पर जो खुद मुखिया है स्कूल का वो 100% स्कूल में है या उसका कोई दूसरा बिजनेस है। और दूसरी चीज़, वहाँ के मैनेजमेंट के अंदर की सिखाया जाता है या सिर्फ रटाया ही जाता है। इसके लिए, इसी के साथ मेरा आपको नमस्कार। जय जवान जय किसान जय जय केसेस जय जवान जय किसान। राजपाल सर, ये बहुत ही होनहार, बहुत ही मेहनती बच्चा है। मैं थोड़ी इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जी सर, दीजिए। राजपाल मेरे पास आया था 7th क्लास में जी, और ये बिल्कुल एक छोटा सा गांव छावटा है यहाँ हमारे पास में जी सर, 20 किलोमीटर दूर जी जी, वहाँ पर ये बच्चा निवास करता है जी। तो ये राजपाल जब आया था तो ये कोई वहाँ की कोई स्कूल थी हिंदी मीडियम, वहीं से पढ़ रहा था ये प्राइमरी में, और इनके फादर जो है सरवण जी, वो मेरे पास लेके आए इन बच्चों को, और उन्होंने कहा कि साहब ये जो बच्चे हैं वो पढ़ना, हम लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं जी सर जी। तो जब हमने इनका इंटरव्यू लिया तो ये बच्चा इंग्लिश में कुछ कर नहीं पाया सर जी जी। तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं किसी गलत बच्चे को एडमिशन देता नहीं हूँ जी जी। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा ये जो बच्चे हैं आपके इंग्लिश मीडियम में ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, आई थिंक आगे इनका कैरियर किस तरह से बने किस तरह से नहीं बने, तो मैं बच्चे का भविष्य के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं हूँ, आप जहाँ बच्चा पढ़ रहा वहीं पढ़ाइए जी। लेकिन इनके फादर साहब ने बड़ी ज़िद की सर कि नहीं, मेरा बच्चा तो है वो बस पढ़ेगा तो कल्पना चावला में पढ़ेगा, नहीं तो कोई नहीं पढ़ेगा जी जी। तो बस उनकी ज़िद के, फिर हमें मानना पड़ा उनकी ज़िद को, और उनको बच्चे को एडमिट किया। तो सर ये बच्चा मतलब 1 महीना जब स्कूल आया तो पूरे दिन रोता था जी, क्योंकि इसके समझ कुछ नहीं आता था जी जी जी। तो जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, मैंने इसको पूछा, मैंने कहा बेटा क्या है, आपको कुछ समझ आ रहा है? उन्होंने कहा बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को जी जी, और मेरे तो सब चीज़ें ऊपर से जा रही जी। तो हमने इसकी एक्स्ट्रा कोचिंग जो है वो लगाई इंग्लिश की, इसकी जो बेसिक है वो मैंने मेरे हाथ से तैयार की इसकी। मैंने कहा तो एक काम कर, 1 महीना मेरे साथ रह ले, मैं तेरी कुछ मदद कर पाता हूँ तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और 1 महीने में मैंने इसकी इंग्लिश जो थी
वो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर दिया और इसको एक क्लास के अंदर जो ये रनिंग में आए ऐसी परिस्थिति में कर दिया। सौभाग्य से ये है कि बच्चा बहुत मेहनती है सर जी, इतना मेहनती है, इतना लेबोरियस बच्चा है, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक डेढ़ महीने में ये बहुत अच्छा कर जाएगा जी। पर इसके अंदर कोई ललक थी कुछ आगे बढ़ने का, इसके अंदर कुछ एक जुनून था इस बच्चे को मैंने देखा जब, तो इसने बहुत अच्छा किया। ये संडे की क्लास के बारे में जब बात करें, एक्चुअली क्या एक बोर्ड क्लासेस का कुछ बर्डन होता था, हम लोग संडे की क्लासें कभी लगाते थे। सबसे बड़ी इसके सामने समस्या ये आती थी कि इसके गांव से कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं था जी, तो ये फिर उसमें लेने में असमर्थ हो रहा था जी सर। तो उस दौरान भी ये मेरे साथ एक डेढ़ दो महीना रहा था और बहुत मेहनत किया इस बच्चे ने, 94% इसके मार्क्स बने उस अपने बेच के, ये अपने अपने गांव का ये सबसे टॉपर बच्चा रहा। बहुत बहुत बहुत। और फिर मैंने ही इसकी आगे मदद करके इसकी कोचिंग करवाई। कोचिंग करने के बाद में सौभाग्य से इसने बहुत लगन और मेहनत से कोचिंग किया जी। और आज ये बिल्कुल MBBS की जो तैयारी है वो कर रहा है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि आज इतना सब कुछ अचीवमेंट होने के बावजूद भी ये किसान की बात करता, जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। जय किसान बोला उसने जी सर। बहुत तो हम इसकी भावना का बहुत बहुत आदर करते हैं, कदर करते हैं कि इसी तरह के संस्कार जो है ये गांवों से जुड़े, ये बच्चे अगर के कामयाब होने के बाद में हमने जो मिशन लिया उसको आगे बढ़ाए, तो आई थिंक हम अपने बच्चों में ये चीज़ देख पा रहे हैं। केसीआई से जो पौधा है उसकी तीन शाखाएं हैं, कुचेरा, जायल और मेड़ता। क्या इसकी शाखाएं और भी फैलाना चाहते हो आप? क्या राजस्थान के कोने कोने तक इसकी शाखाएं फैलाने का संकल्प ले रखा है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कैसे इस का जो नारा है और लर्निंग नेवर स्टॉप जी सर, बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने अभी इसकी जो तैयारी है वो अभी शाखाएं नहीं करके हम लोग, हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना, शाखाएं खोलना उद्देश्य नहीं है ज़्यादा। जितना हम लोगों को अभी हम लोगों ने किया है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन पहले ये सुविधाएं नहीं थी, ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो हमें अलग अलग जगह से इस तरह से कुछ ब्रांचेस खोल करके इसको आगे बढ़ाने के लिए किया। बट आज कैसे जिस प्लेटफॉर्म पे है जी जी जी, वो ऐसा प्लेटफॉर्म है सर कि भारत में कहीं पर भी बच्चा है जी और वो एजुकेशन लेना चाहता था, हम उसको एजुकेशन दे देंगे। अब शाखा यानी पूरे इंडिया के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का हमने मिशन ले लिया सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत तो अभी और बहुत जल्दी शाखा खोलते तो शायद हमारा एक जीवन कम पड़ जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिजिटल क्रांति ने हमारी इस पहल में बहुत मदद की है और बहुत जल्दी ही ये सारा सब कुछ हम लोग है वो इस तरह की एजुकेशन जो है प्रणाली है बहुत ही चीपेस्ट, बहुत लोवेस्ट कॉस्ट के अंदर हम भारत के प्रत्येक बच्चे तक पहुंचाएंगे सर। बिल्कुल सर। और प्रत्येक बच्चे को एजुकेट करेंगे। मैं आपको पहले ही कह चुका था कि अब कैसे इसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया बहुत है और बहुत ही आगे जाकर के ये फ्यूचर के अंदर हम बहुत बड़ी मदद कर पाएंगे बच्चों की। एक केसीआईएस परिवार की पूर्व छात्रा संतोष भी हमारे साथ जुड़ चुकी है सर। जी जी, उसका भी अपन विचार जान लेते हैं। और हमारी फर्स्ट स्टूडेंट रही है इस केसीआईएस परिवार, तो संतोष का विचार। संतोष ठोलिया, स्टूडेंट ऑफ 2013 टेंथ क्लास बैच, वन ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट। सो बेसिकली KCIS इज माई फाउंडेशन स्टोन। माई स्कूल लाइफ इज अ ग्रेट एंड वैल्यूबल एक्सपीरियंस फॉर मी। आई हैव स्पेंड 10 गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ इन KCIS फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 10th। एंड इट इज द पीरियड ड्यूरिंग विच वन लर्न्स द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ। एंड ड्यूरिंग स्कूल डेज अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्टूडियस आई ऑल्सो डेवलप इंटरेस्ट इन प्लेइंग गेम्स, debating, seminars and other extracurricular activities. And when I talk about the uniqueness of KCIS, it is the teacher's hard work and dedication to get out the best of the students and paying equal attention to all in the classroom. It is also the place where I have got the great friends for a lifetime. And I think the good ideas, the good deeds which are embedded in me, like obedience toward elders, love for the motherland, service to the nation, and being a responsible citizen. These all are inculcated in me during my school days. And KCIS has prepared a basic foundation on which the building of my life is going to be erected. Right now, I am preparing for civil services examination, and I hope I'll get success in that. Lastly, I would like to thank to all my teachers who encouraged and helped me in all possible ways. I'll always be grateful to all of you. Thank you so much. Jai Hind.
बहुत बहुत धन्यवाद संतोष। संतोष हमारे फर्स्ट बेच की छात्रा रही है और बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती, बहुत होनहार है। संतोष अभी आईएएस की तैयारी कर रही है और हम भगवान से प्रार्थना करें कि बहुत जल्दी ही इस मुकाम को हासिल करें, देश की सेवा करें, तो इसके हम उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत कामना करते हैं सर। अंत में आप विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए मेरा यही संदेश है कि कैसे इस जो प्लेटफॉर्म है वो आप सबका प्लेटफॉर्म है जी। आप शिक्षा के मामले में जी आप हमें जब भी आदेश करोगे, जैसा आदेश करोगे वो हमारे सर अंकों पर रहेगा। कैसी भी काल परिस्थिति, जो भी समय रहेगा जी सर, वो हम लोग उसको कभी आड़े नहीं आने देंगे। जैसा कि अभी कोरोना का समय चल रहा है जी जी, आई थिंक ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति स्टूडेंट्स के लिए और हम सब के लिए जी। लेकिन फिर भी कैसे इसने अपना जो एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें बिल्कुल तैयारी कर ली और बहुत टाइम रहते हैं इन सबको, अभी क्लासेस बच्चों को मिल रही है। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि कैसे इसका जो प्लेटफॉर्म है, आप सबका प्लेटफॉर्म है जी, मैं तो सिर्फ हम आपके जो बच्चे हैं उनका एक गाइडर हूँ, एक मेंटर हूँ, बाकी जो कैसे इस परिवार है, आप सबका परिवार है, बच्चे है, वो हम सबके, हम बच्चों को मानते हैं। हम तो कभी स्टूडेंट मानते ही नहीं है किसी को, सारे बच्चे जो है वो हमें हमारे ही जैसे बच्चे लगते हैं और हम उनको जितना नर्चर कर सकते हैं, जितना बेस्ट कर सकते हैं वो है। दूसरा, कोई भी फाइनेंशियली वीक वर्क से बच्चा है जी, उसके लिए कैसे इसके दरवाजे जो है वो हमेशा से खुले रहें, शहीदों के बच्चों के लिए रहें, विधवाओं के बच्चों के लिए, गरीब और किसान परिवार का कोई भी बच्चा है, कोई बच्ची है और वो शिक्षा लेना चाहता है तो वो हमारे साथ में आ सकता है, उसका स्वागत है। खेल के क्षेत्र में कोई बच्चा आगे बढ़ना चाहता है जी, बिल्कुल उसका भी स्वागत है। खेल के क्षेत्र में हमारा अभी तक का हॉकी का जो प्लेटफॉर्म था वो बिल्कुल आप सबको पता है, यहाँ के हर एक बच्चे को पता है कि हॉकी में कल्पना चावला किस लेवल से स्टैंड करती है। इसका दायरा हमने और बढ़ा दिया है, ये कोरोना काल के बाद में हम नए गेम्स की और शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम बास्केटबॉल, स्विमिंग पूल और इस तरह के कम से कम 5-7 जो गेम है वो हम और लेके जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत इंटरेस्टेड है जी, जी। और मैं ये मानता हूँ कि खेल एक अनिवार्य हिस्सा है बच्चे की फिजिकली और मेंटली ग्रोथ के लिए जी। मैंने ये नोटिस किया है कि जो बच्चा खेल में बढ़िया है सर जी, वो पढ़ने में ऑटोमेटिक ही बढ़िया होता है, और सबसे बड़ा उसका जो प्लस पॉइंट ये रहता है जी सर, कि वो जिंदगी में सबसे फास्ट डिसीजन लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी जो डिसीजन मेकिंग है बिल्कुल वो इतनी बढ़िया हो जाती है। तो आप हर तरह से बिल्कुल कैसे इसका जो प्लेटफॉर्म है आपकी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। आप खेलना चाहते हैं आप यहाँ आ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं, लीडर बनना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं। मैं तो बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि जिंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक ऐसा जुनून, एक ऐसा जोश होना चाहिए, और उसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम सर बच्चों के लिए मोटिवेशन सेमिनार्स वगैरह रखते हैं। तो बिल्कुल मेरा तो सबको यही संदेश है कि कैसे इस परिवार जो है वो आप सबका परिवार है, हम तो बस आपकी सेवा के लिए बैठे हैं, और जब भी जैसा आपका आदेश रहेगा वैसा हम लोग आपकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मैं करूँगा, मेरी पूरी टीम आपके साथ में हमेशा से जुड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपने संघर्ष की कहानी हमारे दर्शकों को बताई। तो ये थे कैसे इस परिवार के CMD और कृपा राम जी ठोलिया सर, जो मतलब किसान शिक्षा के क्षेत्र में इनके इस प्रकार से कदम बढ़े कि मेहनत कश और गरीब परिवार के बच्चे, खासकर बालिका शिक्षा को इन्होंने काफ़ी महत्व दिया, और आज इस कैसे इस परिवार से जुड़ी हुई हर बालिका आज पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में आज प्रगति कर रही हैं। इन्होंने खासकर किसान, गरीब, मजदूर के बच्चों को जोड़कर, उनको जिनके पास पैसे नहीं थे उनको भी इन्होंने जोड़ा और पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। तो ऐसे शख्स हमारे साथ आज आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद मुकेश जी आपका, धन्यवाद, और हमारे सभी छात्राओं का जिन्होंने हमारे साथ बने रहे, उनके अभिभावकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी मेरे मित्र और मेरे दर्शक जो इस लाइव शो को देख रहे हैं, आप सबका प्रेम पूर्वक दिल की गहराइयों से
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय केसीआई, जय मिशन 90+। थैंक यू सर, धन्यवाद सर।